आज कहानी उस नेता की जिसकी वेशभूषा एकदम सरल थी, जो सिर्फ धोती और कुर्ता में रहते थे, जो सिर्फ पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं शोषितों के बारे में सोचते रहते, जो लोहिया से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक के विचारों के समर्थक थे। भारत की राजनीति में उन्हें मनरेगा मैन भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस प्रखर समाजवादी नेता, वो लालू के संकट मोचक रघुवंश प्रसाद सिंह की। जब भी बिहार बोर्ड की 10वीं की किताब पढ़ी जाती है तो नागरिक शास्त्र में बिहार का छात्र आंदोलन जरूर होता है, जिसे हम संपूर्ण क्रांति के रूप में जानते हैं। इस क्रांति से भारत की राजनीति में काफी प्रभाव पड़ा। इस क्रांति से पूरे देश में कई नेता उपजे और सियासी ताज भी पहना। नमस्कार, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता का जन्म 6 जून 1946 को वैशाली के शाहपुर में हुआ था। वे अपने जीवन में लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। वर्ष 1974 जब पूरा देश आंदोलन की आग में जल रहा था, यही वो वर्ष था जब राजनीति छोड़ चुके जयप्रकाश नारायण ने पुनः राजनीति में वापसी की। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए 1973 के एक छात्र आंदोलन में हम चलते हैं, जब गुजरात के अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मेष के बड़े फीस को लेकर छात्र आंदोलन को उतारू हो गए। हाल के दिनों में जिस प्रकार JNU के छात्रों ने अपनी बड़ी फीस को लेकर किया था, हालांकि गुजरात में छात्रों के द्वारा चलाया गया आंदोलन का नाम नव निर्माण आंदोलन था। आंदोलन इतना बढ़ गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री का तख्ता ही हिल गया। तभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चिमनभाई पटेल। इस आंदोलन ने जंगल में चिंगारी का काम किया। इसके बाद देश के कई इलाकों में छात्रों का आंदोलन सड़क पर आने लगा। छात्रों को लगातार जयप्रकाश नारायण का सहयोग मिल रहा था। इसी बीच बिहार में एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसका केंद्र बना सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी में जो छात्र आंदोलन हो रहा था, उसका नेतृत्व कोई छात्र नहीं बल्कि सीतामढ़ी में पढ़ाने वाले गणित का प्रोफेसर कर रहे थे। प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि शाहपुर के बाबू साहब रघुवंश बाबू थे। वो रघुवंश बाबू जिसे राजनीति की पूरी सूझबूझ कर्पूरी ठाकुर ने दी थी। अब हम उनके राजनीतिक जीवन को देखते हैं। अपनी युवा अवस्था में उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ चले। 1973 में उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सचिव बनाया गया। 1977 से 1990 तक वे बिहार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977 से 1979 तक वे बिहार राज्य के ऊर्जा मंत्री रहे। इसके बाद वे लोक दल का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। 1985 से 1990 के दौरान वे लोक लेखांकन समिति के अध्यक्ष रहे। 1990 में उन्होंने बिहार विधानसभा के सहायक स्पीकर का पदभार भी संभाला। लोकसभा के सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 1996 से प्रारंभ हुआ। वे लोकसभा चुनाव में निर्वाचित और उन्हें बिहार राज्य के लोकसभा में दूसरी बार वे 1998 में निर्वाचित हुए तथा 1999 में तीसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे गृह मामलों की समिति के सदस्य रहे। 2004 में चौथी बार उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया और 23 मई 2004 से 2009 तक वे ग्रामीण विकास मंत्री रहे। इसी क्रम में उन्हें मनरेगा मैन भी कहा जाने लगा। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5वीं बार जीत दर्ज की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब जेल चले गए तो राजद में उचित सम्मान न मिल पाने के कारण उन्होंने लालू प्रसाद को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं राजद छोड़ रहा हूं, जिस पर लालू जी ने लिखा, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम मिल बैठ कर बात करेंगे। परंतु किसे पता था कि यह पत्र लालू जी के हनुमान का आखिरी पत्र था। आपको हमारी यह विशेष पेशकश कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।